सबसे पहले दोस्तों आप मेरी लाइव प्रूफ देख सकते मैं कैसे ड्रीम इलेवन में चेंजर बनता हूँ। तो अगर आप भी ड्रीम इलेवन चेंजर बनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा, 100% आप इस ट्रिक को समझ जाएंगे। तो सबसे पहले देख सकते मैंने एम पटी राणा को मैंने कैप्टन बना के रखा हुआ था और देख सकते ये ड्रीम इलेवन चेंजर बनते हैं। आपको पता होगा कि इन्होंने जो विकेट लिया था 3 विकेट और इन्होंने ताबड़तोड़ विकेट लिया था। अब उसके बाद बात की जाए स्टार्टिंग में दीपक चहर ने आपको पता होगा कि डेविड वार्नर का विकेट लिया था और उसके बाद ये ऐसे विकेट लेते चले गए, इन्होंने 2 विकेट लिया था। अब बात करें रविंद्र जडेजा, तो रविंद्र जडेजा देख सकते कितना अच्छा पॉइंट दिया हुआ और मिचेल मार्श देख सकते इन्होंने भी अच्छा विकेट लिया था। अब बात करें अक्षर पटेल ने भी अच्छा विकेट लिया था, इन्होंने मैं वाइस कटर बनाया था। और यहाँ पर देख सकते ललित यादव, ललित यादव बहुत सारे लोग ने नहीं लिया था क्योंकि इनका जो परसेंटेज था वो 2 से 3% 4% लोगों ने सेलेक्ट करके रखा हुआ था और इनको कोई नहीं लिया था और ये ड्रीम इलेवन चेंजर बन गए। ऐसे ऐसे प्लेयर को बोलते हैं ड्रीम इलेवन चेंजर। अब उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं अभी जैसे शिवम दुबे, अंबाती रायडू, आर रेसो, अजिंक्य रहाणे, अब उसके बाद पी शॉर्ट, अगर आप इनको प्लेयर में लिए होंगे तो 100% आप ड्रीम इलेवन चेंजर बन जाएंगे। तो आज मैं आपको बता दूं कैसे आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को फुल वॉच करेगा। तो चलिए बात करता हूँ राजस्थान रॉयल्स वर्ल्स कोलकाता में। अभी आप देख सकते हैं राजस्थान रॉयल्स में कोलकाता में कौन आपको सबसे बेस्ट होने वाला है। तो ऑलरेडी मैंने ईश्वर टीम को बता दिया है कि आज मैं आपको बता लूँ कौन सीधे मैं आपको डायरेक्ट 2 से 5 से 6 मिनट में आपको बताने वाला हूँ कौन आज टीम में फ्लॉप जाने वाला है और कौन नहीं जाने वाला है। तो इस वीडियो को फुल वॉच करेगा। तो अभी देख सकते हैं सबसे मोस्ट आपका होने वाला है आर गुरुबाज होने वाला है क्योंकि पिछले मैच में इन्होंने 48 रन मारकर और ड्रीम इलेवन चेंजर बन गए थे। अब बात करते हैं नीतीश राणा, और ये भी आपको अच्छा प्लेयर है, ये आपको अच्छा रन बनाएंगे। अब उसके बाद रिंकू सिंह की बात किया जाए, आंद्रे रसल की बात किया जाए, शार्दुल ठाकुर का और वरुण चक्रवर्ती भी आप देख सकते हैं मैंने कैसे ड्रीम इलेवन चेंजर बनता हूँ। तो आप देख सकते मैंने वरुण चक्रवर्ती को कैप्टन बना के रखा हुआ था और आप मेरे ड्रीम इलेवन चेंजर देख सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों राजस्थान रॉयल्स में। तो राजस्थान रॉयल्स में आपको मिल जाएगा यशस्वी जायसवाल, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपको यशस्वी जायसवाल होने वाले हैं और आप इनको कैप्टन बना ले रहे हैं क्योंकि पिछले मैच में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, इस बार भी अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला है। और मैं आपको बता दूं कौन फ्लॉप जाने वाला है, जो अभी आप देख सकते हैं मैंने आर गुरबाज, नीतीश राणा, रिंकू सिंह और आंद्रे रसल, शार्दुल ठाकुर, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती, ये आपको कोलकाता में आपको 6 प्लेयर को ले लेना है। अब आगे बात करता हूँ आपको राजस्थान रॉयल्स में, तब सबसे पहले आपको यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, संजू सैमसन, उसके बाद आपको मिल जाएगा सिमरन हिटमायर, उसके बाद रविंद्र अश्विन मिल जाएगा, उसके बाद वाई चहल यानी जो यजवंत चहल। अब आपको इनमें आपको 6 प्लेयर लेना है यानी दोस्तों आपको 12 प्लेयर होगा। अब 12 प्लेयर में कैसे आपको चॉइस करना है दोस्तों, अगर आप एक को छोड़ना चाहते हैं जो सबसे मतलब हमको नहीं लगता वो पॉइंट दे पाएगा, उनका चांस होने वाला है, वो आपका होने वाला है सिमरन हिटमायर, क्योंकि ये आते हैं जो बचता है 17 से 18 से 19 जो 2 से 3 ओवर बचता है वो आते हैं सिमरन हिटमायर। तो आप इनको मत लीजिएगा क्योंकि तब उसके बाद आपका 11 प्लेयर यानी दोस्तों आपका 11 प्लेयर हो जाता है। अगर आप इनको सिमरन हिटमायर को छोड़ देंगे तो इधर आपका 5 प्लेयर हो जाएगा, इधर आपका 6 प्लेयर हो जाएगा, इस वजह से आपका 11 का कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा और आप ड्रीम इलेवन चेंजर बन सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों बात करते हैं टॉस कैप्टन वाइस कैप्टन आपको किसको बनाना है। अभी देख सकते मैंने ऑलरेडी इस पर मैंने वीडियो बना रखा है लेकिन मैं आपको बता दूं कौन फ्लॉप जाने वाला है कौन नहीं फ्लॉप जाने वाला है। तो अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच करें 100% आपको कैप्टन यही आपको जिता के देगा। चलिए अब बात करते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन आपको किसको बनाना है। तो सबसे मेस्ट आपको होने वाला है यशस्वी जायसवाल, आप इनको कैप्टन बना देना। अब वाइस कैप्टन की बात किया जाए तो आप जॉस बटलर को बना सकते हैं लेकिन पिछले मैच में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो आप इनको और युजवेंद्र चहल, आंद्रे रसल, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती, अब इस तरह से आप 5 प्लेयर होने वाले हैं ड्रीम इलेवन चेंजर। अगर आप 5 टीम बनाते हैं यानी 5 से 6 टीम बनाते हैं तो आप इसको कैप्टन बना सकते हैं, सारा को कैप्टन बना सकते हैं, पूरे प्लेयर को आप कैप्टन बना सकते हैं हर एक टीम में अगर आप अधिक से अधिक टीम बनाते हैं तब। अब चलिए दोस्तों टीम को बनाकर मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया, तो सबसे पहले आपको जॉस बटलर को अपने टीम में सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको संजू सैमसन को सेलेक्ट करना है। अब आर गुरबाज को लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं बट मैं इनको लेकर जाने वाला हूँ। अब इधर इस समय कोई प्लेयर नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं बैटर में, तो बैटर में आपको नीतीश राणा, यशस्वी जायसवाल, अब इधर आपको वेंकटेश अय्यर, पिछले मैच में अच्छा नहीं परफॉर्मेंस किए थे तो मैं इनको नहीं लेने वाला हूँ, मैं यशस्वी जायसवाल, नीतीश राणा, उसके बाद आपको सिमरन हिटमायर को नहीं ले रहा हूँ। अब आर गुरबाज को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, पिछले मैच में इनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था तो मैं इनको नहीं लेता हूँ, अब इधर मैंने कोई प्लेयर को नहीं सेलेक्ट करता हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों आपको ऑलराउंडर में, आपको मिल जाएगा आंद्रे रसल, रविंद्र चंद्र अश्विन, शार्दुल ठाकुर, इधर मैं सुनील नारायण को नहीं
नहीं लेता हूँ क्योंकि इनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, तो मैं जसन होल्डर नहीं खेलने वाले और डी विजा को मैं नहीं लेने वाला हूँ। अब नीचे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा एस सुधाकर है, इनको भी मैं नहीं लेने वाला हूँ। अरियन पराग का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है तो इनको भी मैं नहीं लेने वाला हूँ। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आपको बॉलर में, तो बॉलर में आपको ट्रेंट बोल्ट भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं बट मैं इनको नहीं ले रहा हूँ, मैंने पहले ऑलरेडी मैंने एनालिसिस में बता दिया हूँ। तो आपको वरुण चक्रवर्ती अगर आपको एक प्लेयर और लेना चाहते हैं तो आपको नीचे जाना है और इधर आपको बॉलर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। लेकिन अब दोस्तों अब मैं बात करता हूँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप जाना चाहते हैं और इसमें क्योंकि बैटर का चांस है तो आप वेंकटेश अय्यर को ले सकते हैं, उसके बाद आप रिंकू सिंह को ले सकते हैं या आपको जय राय को ले सकते हैं। तो चलिए मैं वरुण चक्रवर्ती को ले लेता हूँ, उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ तो आपको किसको बनाना है, सबसे ज़्यादा दोस्तों आपको जॉस बटलर को बना देना है। अब उसके बाद आपको वाइस कैप्टन बनाना है तो आप आंद्रे रसल को बना सकते हैं। उसके बाद सेवल ऑप्शन पर क्लिक करना है, जैसे आप सेवल ऑप्शन क्लिक करेंगे तो देख सकते ऑलरेडी मैंने साथ साथ टीम बना के रखा हुआ है। तो अगर आप इस तरह से टीम बनाते हैं तो 100% आप ड्रीम इलेवन चेंजर बन सकते हैं। तो जैसे मैंने टीम बना के रखा हुआ है, तो अभी जैसे हाल ही में मैंने जो टीम बना के रखा हुआ है तो मेरी ए टीम एक ये वन वाले मैं सबसे ज्यादा बैटर को लेकर जा रहा हूं, तो इस तरह से मैं ड्रीम इलेवन चेंजर बनता हूं। तो दोस्तों आई होप आप सबको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।